बैंकिंग सेक्टर का एक छोटा सा स्टॉक, एक्चुअल में छोटा नहीं, प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 50 रुपये के आसपास का स्टॉक का प्राइस है और इस स्टॉक में लगा हुआ है अपर सर्किट। अब इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? देखो, अपर सर्किट लगा हुआ है तो वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक से दूरी बना के रखो, ज़्यादा अच्छा है ना। अब ये जो स्टॉक है जिसका नाम है अब धन लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, 49 रुपये 40 पैसे का स्टॉक और इसमें 5% का लगा हुआ है अपर सर्किट। और मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो ये 125 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है तो स्मॉल कैप ही, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है जैसे एक पेनी स्टॉक हम इसको कह दें, स्मॉल कैप है बस, आप ये समझ सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्मॉल कैप की कंपनीज जो होती है ना उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो, स्मॉल कैप की कंपनीज वैसे हम ज़्यादातर ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर 6 महीने का चार्ट दिखाऊँ तो 6 महीने में 50% का रिटर्न, पिछले एक साल में 226% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। और स्मॉल कैप की जो कंपनीज होती हैं उनके केस में इस तरह के आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आपका पैसा साल भर में मल्टीपल 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स अगर आप सर्च करें, यहाँ पर मैंने आज ही एक नया स्टॉक जो है यहाँ पर दिया है स्मॉल कैप मल्टीबैगर में। अगर आप ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जहाँ पर आपका पैसा 6 महीने साल भर में मल्टीपल हो जाए, तो ऐसा एक स्टॉक या तो ये वीडियो अपलोड होने तक आ चुका होगा, वैसे मैंने टाइम सेट कर रखा है, या फिर शाम तक आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको ऐसे स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ मैं इस मेंबरशिप में, आपका पैसा मल्टीपल हो सके। स्मॉल कैप के स्टॉक होंगे तो रिस्की होंगे, बट आपको प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर आपको यहाँ पर स्टॉक मिलते हैं, तो आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आज एक नया स्टॉक दिया है और सिल्वर स्विंग ट्रेड में भी आज मैंने एक नया स्टॉक दिया है जहाँ पर आपको एवरी वीक स्विंग ट्रेड के लिए एक स्टॉक मिलता है आपको यहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस टाइम और टारगेट के साथ। तो अगर आप एवरी वीक स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहते हैं तो सिल्वर स्विंग ट्रेड ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आप ऐसे स्टॉक चाहते हैं जो आपका पैसा 6 महीने साल भर में मल्टीपल कर सके तो उसके लिए आप स्मॉल कैप मल्टीबैगर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स जो है स्मॉल कैप के आपको आसानी से मिल जाते हैं। चलो अभी हम यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करते हैं, अभी मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर कर लेता हूँ पहले, और इसके जो अपडेट जो इसमें अपर सर्किट की वजह है वो क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। Q4 रिजल्ट अपडेट, बैंक की जमा राशि बढ़ी, गोल्ड लोन में शानदार इजाफा हुआ, शेयर भी चढ़ा, और ये देख सकते हो आप, ये 2 अप्रैल का अपडेट है, अभी तो 4 है, तो यहाँ पर स्टॉक में इसकी वजह से अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है, इसके साथ ही अब कंपनियों के तिमाही नतीजे और वित्तीय वर्ष के नतीजे भी आने शुरू होंगे। इस बीच कंपनी की ओर से अपने कारोबार से जुड़े डेटा भी शेयर किए जा रहे हैं। अब धनलक्ष्मी बैंक की ओर से कुछ आंकड़े शेयर किए गए हैं जिसमें बैंक में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, इसके साथ ही पिछले काफ़ी टाइम से शेयर की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला है, कारोबार में हो रहा है इजाफा। सीधी सी बात है, कंपनी का कारोबार बढ़ेगा तो सीधा से उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे लोगों का कंपनी पर भरोसा बढ़ेगा और इन्वेस्टर भी यहाँ पर पैसा लगाएंगे। सीधी सी बात है, सब कुछ पॉजिटिव होगा। सारा जो खेल है ना वो ये है कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसी कर रही है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। त्रिशूर स्थिति में निजी बैंक धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड ने मंगलवार 2 अप्रैल को अपनी 4वीं तिमाही का जो बिजनेस अपडेट है वो जारी किया, उसमें विभिन्न जो क्षेत्रों में पॉजिटिव देखने को मिला है। अब स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग के अनुसार बैंक ने कुल 24,668 करोड़ का कारोबार किया, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 23,204 करोड़ था। अभी पिछले वर्ष के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 6% के आसपास इनका कारोबार बढ़ा है, और जो बैंक में कुल जमा राशि है वो 14,269 करोड़ हो गई है, जो कि पिछले वर्ष 13,351 करोड़ की थी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में भी जो है 2.8% के आसपास की वृद्धि देखने को मिली है, जो पिछले वर्ष की अवधि में हमें ज़्यादा ही देखने को मिली है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो। फिलहाल गोल्ड लोन के कारोबार की वजह से यहाँ पर जो मेन इसमें तेज़ी है वो ये है, वो क्या है अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो धनलक्ष्मी बैंक क्रॉस एडवांस राशि 5.6% की वृद्धि दी गई, जो कि 10,409 करोड़ रुपये थी, पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 9,854 करोड़ रुपये से अधिक है। बैंक के प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण गोल्ड लोन सेगमेंट पर रहा, जिसमें 24.9% की वृद्धि देखी गई है, तो ये सबसे अच्छा इसका डेटा देखने को मिला है। गोल्ड लोन में 25% का इजाफा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यही न्यूज़ थी जिसकी वजह से स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ था। अब अगर आप इसके टेक्निकल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर से जीरोधा स्टॉक्स, ट्रस्टेबल ब्रोकर से, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक में ये मैंने इसका टेक्निकल चार्ट ओपन कर रखा है, इसका जो लास्ट टाइम का आई है वो 60 रुपये के आसपास का, और ये स्टॉक वापस से इसी लेवल पर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज़ बोलूँगा, ये तो ठीक है यहाँ पर न्यूज़ है, 2-4 दिन की तेजी के बाद स्टॉक वापस से ऐसी परफॉर्मेंस करेगा, अगर आप यहाँ पर थोड़ा लंबा समय दे सकते हैं तो आप इस स्टॉक में करंट लेवल पर भी बाय कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए बाय करने का प्लान करें थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। टेक्निकल के बेस पर अगर हम देखें तो आपको मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय, मोमेंटम ऑसिलेटर बाय, ट्रेंड ऑसिलेटर बाय, वॉलिडिटी स्ट्रॉन्ग बाय, टेक्निकल ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बाय है, सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बाय है, ओवरऑल समरी भी आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बाय देखने को मिले। लेकिन यहाँ मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के पर्पज से 1 डे के चार्ट फ्रेम पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर अगर बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए बाय करेंगे, पता चला 2-3 दिन तो तेजी हुई इसमें लेकिन उसके बाद स्टॉक नीचे गिर गया,
फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्विंग ट्रेड के लिए ना बाय करके आप इसको लॉन्ग टर्म के पर्पज से या मिड टर्म के पर्पज से करेंगे तो आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में या फिर एक साल के अंदर अगर हम गए तो 100 रुपए के लेवल को भी टच कर सकता है। देखो गारंटी नहीं है मार्केट में किसी भी चीज़ की, लेकिन चांसेस हैं कि आपके इस लेवल को टच कर सकता है। अब आपके पास स्टॉक है तो आप इसको बने रह सकते हैं थोड़ा सा लंबे समय के लिए। स्विंग ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है, एक दो दिन के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है या आपके पास ये स्टॉक है, आपको क्या लगता है इस स्टॉक में कंटिन्यू तेजी आने वाली है, क्योंकि काफी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट चल रहा था और मुझे अभी भी उम्मीद है कुछ दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक इसी रेंज में फिर से चल सकता है, तो इसलिए हमें अलर्ट रहना जरूरी है। और ये सब चीजें आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सीखने को मिलेंगी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है हमारा जो मेन चैनल, दूसरा चैनल है ट्रेडर लकी, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है हमारे यहाँ पर फ्री, जिसमें दो सेशन की वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, थर्ड सेशन की वीडियो नेक्स्ट वीक आ जाएगी। हम यहाँ पर बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो ट्रेडिंग सेशन टू की वीडियो आ चुकी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन जो है थर्ड, वो आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। और इसके अलावा शॉर्ट्स पेनी में डेली एक पेनी स्टॉक्स की वीडियोस मिलती है डिटेल में, आपको क्यों बाय करना है क्यों सेल करना है, और स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट वो सब आपको शॉर्ट रेट पर मिलता है। ट्रेडिंग चैलेंज यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं हुई है, बट वीडियो कंप्लीट है, मे बी अभी दो चार वीडियोज मैं बना रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर अपलोड करूंगा, तो इसीलिए थोड़ा सा पेंडिंग में है, पर जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएंगी ट्रेडिंग चैलेंज की, जिसमें हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट रेट को सब्सक्राइब कर देना। अब धनलक्ष्मी बैंक में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।